साथियों, आज हम सभी साथी जानलेवा नशा विरोधी अभियान में जंतर मंतर पर सांकेतिक धरने में एकत्र हुए हैं। काफी साथी हरियाणा से भी आए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, यानी कई स्टेटों से लोग आए हैं। उन सभी साथियों का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। सभी जान रहे हैं कि जानलेवा नशा से कितने नुकसान होते हैं, क्या क्या नुकसान हो रहा है। जनरेशन खत्म होती जा रही है, युवा पीढ़ी बिल्कुल खत्म हो रही है। इस बातों को सभी जानते हैं, सभी ने लगभग बता भी दिया है, लेकिन मैं एक ऐसी राज की बात आपको बताऊंगा इस नशे की, जो शायद आप लोगों को पता ना हो। आपको मालूम है, सब जानते हैं कि एक समय में भारत विश्वगुरु हुआ करता था। तो फ्राइड नाम का एक अंग्रेज आया था, उन्होंने शोध किया भारत पे, और उनका भारत को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो भारत को तोड़ने के लिए सबसे पहले भारतीयों के ब्रह्मचर्य को खंडित करना पड़े, और इसमें कारगर कौन सी चीज हो सकती है। तो उन्होंने कॉफी, चाय, सिगरेट, इन चीजों का प्रचलन भारत में किया। चाय और कॉफी फ्री में लोगों को पिलाई जाती रही। धीरे धीरे लोग उसका आदी हो गए, दोनों गर्म चीज होती है, लोगों को गर्म के लिए नष्ट होने। उसी तरह से आज जब देश एक अच्छे रास्ते की तरफ जा रहा है, पूरे विश्व में भारत की शक्ति का लोहा माना जा रहा है, पूरे देश में भारत विख्यात हो रहा है, तो ऐसे समय में भारत को तोड़ने की साजिश बड़े जोर शोर से हो रही है। इसके लिए यानी जो भारत का शत्रु है, उसे ना तो भारत के बच्चे से कुछ लेना देना है, ना भारत के युवा से कुछ लेना देना है, ना जनता से कुछ लेना देना है। उनका मतलब है अपने मिशन में कामयाब होना। और ऐसे निर्लज लोग, ऐसे घटिया किस्म के लोग जिनको बच्चों के ऊपर भी दया नहीं आती, अपने एजेंटों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फैला दिया, वो एजेंट छोटे छोटे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चों को नशे का आदी बनाते हैं। जैसे किसी स्कूल में, किसी ट्रेनिंग सेंटर में, किसी एजुकेशन सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरह से नशे की भी एक ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होती है? पहले सबसे सस्ता नशा टायर का पंचर जोड़ने वाला स्लोचर, उसको कपड़े पर रख के बच्चों को सुंघाया जाता है। आयोडेक्स जो पेन में काम आ रही है, पीड़ा में काम आती है, उसको कपड़े में रख के बच्चों को सुंघाया जाता है। इसको सूंघो, देखो कितना आनंद आएगा। बच्चे सूंघते धीरे धीरे वो उसके आदी हो जाते हैं। फिर उनको कहा जाता है इससे भी अच्छा नशा करना है तो ये लो इंजेक्शन लगाओ, मार्फिन वगैरह के इस तरह के और कई इंजेक्शन है। और जब वो बच्चा आदी हो जाता है
अब वो मांगने लग जाता है। जिस दिन वो बच्चा मांगने लग गया, समझिए बच्चा उनकी उसमें चला गया, यानी उनका काम का हो गया। जिस दिन बच्चा उसी नशे को मांगने लगा तो उनका काम का हो गया। अब उसी बच्चे से वो समाज में ड्रग्स की सप्लाई करवाते हैं, और जो बच्चा ऐसा करने से मना कर देता है तो उसे मार के भगा दिया जाता है, और वो बच्चा जो को नशे का आदि हो गया है वो बच्चा समाज में अब चोरियां करना शुरू कर देता है, वो अपराध करना शुरू कर देता है। तो समाज में अपराध बढ़ रहा है, जनरेशन खत्म हो रही है। कोई भी नशे वाला व्यक्ति 25-30 साल की आयु से ऊपर नहीं जा पाता, पहले ही खत्म हो जाता। हेरोइन चिट्टा समय ब्राउन शुगर, ये इस तरह के नशे हैं जिस व्यक्ति को वो लग गए उनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है कि उसे छोड़ दें, सिर्फ मौत से ही छूट सकते हैं, मौत ही उसका अंतिम इलाज है। जनरेशन खत्म हो रही है। दूसरी तरफ इस व्यापार से जो धन अर्जित हो रहा है वो धन देश में अराजकता अशांति फैलाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये देश को खत्म करने की पूरी साजिश है। हम आरोप दें कि सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। सरकार का काम है कानून बनाना, सरकार का काम है प्रशासन का काम है उस पर रोक लगाना। प्रशासन करता है, ऐसा नहीं करता है, 100 में से 10% तो करता ही है। अगर 90 बार छोड़ दिया है तो 10 बार पकड़ के जरूर बंद कर देता, लेकिन वो काम बंद नहीं होता। काम क्यों नहीं बंद होता कि जब छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, देश के अंदर गरीब लोग भी हैं, बहुत गरीब हैं, कहीं भी किसी भी ठिकाने में छापा पड़ता है कोई भी पकड़ा गया तो वो क्या करेगा, किसी भी गरीब आदमी को जो उसके पहले से गुर्गे होते हैं, जो नशे के आदि होते हैं, उनको कहेगा जा बेटा तेरे बच्चों को मैं संभाल लूँगा, तेरे घर का खर्चा मैं संभाल लूँगा, जेल में तेरी मुलाकात करता रहूँगा, कोर्ट कचहरी का खर्चा मैं सब संभाल लूँगा, उसे बंद कर देता है या दूसरे आदमी को बंद करवा देता है अपने एवज में, काम उनका जो भी तो चलता रहे। हमारी सरकार से मांग है कि इतना डर पैदा कर दो, इतना डर पैदा कर दो लोगों के दिलों में कि लोग उस काम को करने से ही घबराएं। जब ये पता चल जाएगा कि अगर हम NDPS में पकड़े गए, इस अपराध में पकड़े गए, तो मैं फांसी की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, तो फिर गरीब आदमी भी किसी की एवज में जेल में नहीं जाए। और दूसरा कानून ये बना दो कि इस नशे के व्यापार से जो धन संपत्ति अर्जित करता है कोई भी स्मगलर, उसकी जांच होनी चाहिए, उस संपत्ति की, चलाचल संपत्ति की, और तमाम संपत्ति की जांच करके सरकार उसे सरकारी संपत्ति घोषित करे, वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाए। तो उस काम को करने में 20 बार आदमी को सोचना पड़ेगा। जब इस तरह सख्त कानून होगा तो उस कार्य को करने में, उस अपराध को करने के लिए उस किसी भी आदमी को 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर इस अपराध में पकड़ा गया तो आजीवन जेल में सड़ना पड़ेगा, और जितना भी धन संपत्ति मैंने अर्जित की है ये सब सरकार की हो जाएगी, यानी आम जनता की हो जाएगी, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं।
सुबह से लेकर अब तक बहुत मीडिया वाले भी आए और सब अपनी अपनी तरह तरह की बातें कहते हैं। कोई कह रहा साहब उसका रानी का इतना पकड़ा गया, फलाने का इतना पकड़ा गया, ये किसी को हुआ क्या? पकड़ा गया तो गया का, और फिर राजनीति की बात क्यों करे? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार किसी की भी हो सकती है, आज नहीं तो कल किसी और की भी सरकार आएगी। आज हम उसको बदनाम करेंगे, कल उसको बदनाम करेंगे, ये हमारी लाइन बिल्कुल नहीं। हमारी लाइन है दवा, अगर दर्द दिया है तो दवा भी दो। याद होगा भारत में एक बीमारी आई थी चेचक, उसका मिशन चल गया, चेचक की बीमारी जड़ से खत्म, कहा गई नहीं है ना, बताओ नहीं है ना। एक बीमारी आई पोलियो की, उसका अभियान चला, बीमारी जड़ से खत्म। इसी तरह हैजा की बीमारी आई, दुनिया भर की बीमारी आई, सबकी दवाई बन जाती है। और जिसको ये कह रहा था पूरा विश्व कि इसकी तो दवाई नहीं है साहब, तो कोरोना तो मोदी जी ने तो उसकी भी दवाई बना दी भाई। तो हम तो मोदी जी को आज प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी देश के उन्हें सबसे बड़े साइंटिस्ट और सबसे बड़े डॉक्टर हम मानते हैं। हम तो कहते हैं मोदी जी आपने जिस तरह से कोरोना की दवाई बना के पूरे विश्व में से खत्म कर दिया, उसी तरह से इस NDPS की भी बीमारी की दवाई बनवाई। अगर आप चाहें तो ये बीमारी भी जड़ से खत्म हो सकती है। देश खत्म हो रहा है, जनरेशन खत्म हो रही है और सरकार की साख भी खत्म हो रही है। जिस देश की युवा पीढ़ी खत्म, उस देश का भविष्य खत्म। तो सरकार पर चाहे मोदी जी बैठे हो, कल राहुल गांधी बैठ जाए, लेकिन किसी का कोई भविष्य नहीं है। जहां देश का भविष्य नहीं, वहां कोई सरकार का भविष्य नहीं। तो हम सब इस धरने के माध्यम से मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी जी हमारी नजर में आप सबसे बड़े डॉक्टर हो, आप इसका भी इलाज कर दो। अगर इसका इलाज नहीं करोगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो आज ये हमने संकेत दिया है, हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है अपने ज्ञापन के माध्यम से। आज तमाम स्टेटों के प्रतिनिधि हैं, कल एजेंडा जारी करेंगे हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट को, आंदोलन को दूसरा रूप देंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और हस्ताक्षर अभियान चला करके फिर यहाँ इकट्ठे होंगे, मोदी जी आपको हस्ताक्षर भी देंगे जनता के। आपने हमसे कहा कि अभी आपकी आवाज है, इसे जनता की आवाज बनाइए। मोदी जी हमारा वादा है, इस आवाज को हम जनता की आवाज बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हम आज के धरने को इन्हीं बातों के साथ समापन करते हैं और पुनः जितने भी लोग, जितने भी साथी जहां से भी आए हैं, हरियाणा से, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, जगह जगह से आए हैं, सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद करते हैं और सभी से निवेदन भी करते हैं और एक आदेश भी देते हैं कि ये अभियान
हमारा नहीं है, ये अभियान आपका भी नहीं है, ये अभियान समाज की जरूरत है, हमारी नस्लों की जरूरत है, अपनी युवा पीढ़ी को हमें कायम रखना है, तो हमें इस अभियान को चलाना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।